शिव की नगरी काशी में हुई है एक अनोखी घटना। नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दरअसल वाराणसी के एक आम आदमी ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया और अब वो फल भी देने लगा है। आमतौर पर ये माना जाता है कि वाराणसी जैसी जगह जहां पर काली मिट्टी की बहुतायत के चलते रुद्राक्ष के पौधे का पनपना लगभग असंभव होता है, ऐसे में ये चमत्कार यहाँ पर देखने को मिला है। मेहनत रंग लाई है और वो अब फल भी दे रही है। रुद्राक्ष एक ऐसा नाम है जिसका अपना एक अलग ही महत्व है। हिंदू परंपराओं में रुद्राक्ष को न केवल पवित्र माना जाता है बल्कि इसके औषधीय गुण भी इसे खास बनाते हैं। रुद्राक्ष का पौधा हर जगह नहीं पनप सकता और इसके पेड़ भी आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके पेड़ को पनपने के लिए खास तरह की मिट्टी और नमी वाले वातावरण की जरूरत होती है। काली मिट्टी में तो इसका पनपना लगभग असंभव ही माना जाता है, लेकिन वाराणसी की काली मिट्टी में रुद्राक्ष का पौधा लगा भी है और अब ये पेड़ बनकर फल भी दे रहा है और लोग अब इसे चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। ये पेड़ काफी हरा भरा और फलदार है, तो लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी इस पेड़ के पनपने के लिए मुफीद नहीं है, फिर भी ये पेड़ यहाँ फल फूल रहा है। लोग इसे भोले बाबा का आशीर्वाद मान रहे हैं। इस पेड़ को लगाने का श्रेय दरअसल जाता है वाराणसी के रहने वाले सुनील कुमार को, जो कि यूनियन बैंक में काम करते हैं। रुद्राक्ष का ये पेड़ इन्हीं के आंगन में फल फूल रहा है। सुनील कुमार का कहना है कि जब उन्होंने अपना नया घर बनवाया था तब उन्होंने रुद्राक्ष का पौधा अपने आंगन में लगाया था और अब 6 से 7 साल की मेहनत के बाद इसमें फल भी आने लगे हैं, जिसे कि वे महादेव की कृपा ही बता रहे हैं। सुनील कुमार का ये भी कहना है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया है, इसके बाद तो इसमें फलों की संख्या और भी ज्यादा हो गई है, जो कि एक चमत्कार से कम नहीं है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में भी रुद्राक्ष का पौधा लगाया गया है और सुनील कुमार की ये कामना है कि अब ये पौधा भी जरूर फल दे। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया।